नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेस पर मेघदूत में उत्तर मेघ की व्याख्या चल रही है। पांचवा श्लोक है, इसमें अलकापुरी के लोग कैसे रहते हैं इसी सब के बारे में भी चर्चा हो रही है। कालिदास यक्ष के माध्यम से मेघ को बता रहे हैं कि अलका ऐसी ऐसी है, वहाँ के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, वहाँ के महल ऐसे हैं। उसी क्रम में अब पांचवा श्लोक है, मंदाक्रांता छंद है। आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। हाँ, चैनल से यदि जुड़े हैं तो लोगों तक शेयर करिए, निःशुल्क सेवा है तो ऐसे लोगों तक शेयर करिए जो शायद ऑनलाइन क्लास या ऐसे क्लास न ले पाते हों या उनकी पहुंच से बाहर हो, तो आइए उनको तक उनके यहाँ पहुंचाने का जिम्मा आपके ऊपर। हमारा है काम है कि हम आपको वीडियो देते रहें। तो आइए हमारे साथ बोलिए, यश्याम यक्षा सेत मणिमयान। 4-6 इतना ध्यान देना, 4-6 फिर अंत में हो जाएगा कि यश्याम यक्षा सेत मणिमयान इत्यहर्म्यस्थलानी ज्योतिष्छाया कुसुम रचितान योत्तमस्त्रे सहाया आशेवन्ते मधुरतिफलम् आशेवन्ते मधुरतिफलम् कल्पवृक्ष प्रसूतम् त्वद्गम्भीर ध्वनिशोषनकै पुष्करे स्वाहतेषु। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि यक्षों का भोग या उनका जीवन विलास कैसा है, इसकी व्याख्या की गई कि यस्याम यक्षा उत्तम स्त्री सहाया, माने जिस यस्याम जिस अलकापुरी में यक्ष लोग उत्तम स्त्री सहाया उत्तम स्त्रियों के साथ रहते हैं। यस्याम यक्षा उत्तम स्त्री सहाया, वहाँ अलकापुरी में जो यक्ष लोग हैं वह उत्तम स्त्रियों के साथ रहते हैं, अर्थात अपनी अपनी वाली के साथ रहते हैं। उत्तम स्त्री का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी स्त्री जो किसी पर पुरुष के साथ संबंध ना रखे वही उत्तम स्त्री, जिसका चरित्र भ्रष्ट ना हो जाए वही उत्तम स्त्री है। तो इसीलिए यहाँ पर कालिदास को लिखना पड़ा उत्तम स्त्री सहाया। कैलाश में बसी नगरी है, वहाँ चरित्रहीन स्त्रियाँ नहीं मिलेंगी, इसीलिए बताया कि यस्याम यक्षा है उत्तम स्त्री सहाया। जिस कैलाश जिस अलकापुरी में यक्षा बहुवचना कि यक्ष लोग उत्तम स्त्रियों के साथ रहते हैं, अपनी अपनी वाली के साथ रहते हैं। और वह यक्ष लोग क्या करते हैं तो यक्षा है मधु आसेवन्ते, वहाँ के यक्ष लोग मद्य का सेवन करते हैं। आसेवन्ते बहुवचनांत हो गया कि अच्छा है मधु आसेवन्ते, उस अलकापुरी के यक्ष मधु का सेवन करते हैं। और जब मधु किसका है तो बताया कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से निकला हुआ जो रस है उस रस का नाम जो है रतिफल है। तो यक्षा है मधु, तो कल्प वृक्ष प्रसूतम रतिफलम मधु आशेवन्ते, उस अलकापुरी के यक्ष लोग कल्प वृक्ष से प्रसूतम निकले हुए रतिफल रतिफल नामक मद्य का सेवन करते हैं। और यह जो रतिफल है प्रेम को बढ़ाता है, नाम लिख दिया गया, श्रृंगार रस का नाम क्या है, रति है।
स्थाई भाव क्या है, रति है, कि यह ऐसा मद्य है, ऐसी मदिरा है कि इसको पीने से प्यार उमड़ता है। ऐसे मद्य का सेवन उस अलकापुरी के यक्ष करते हैं। एक तो प्यार बढ़ाने वाला मद्यपान का सेवन कर रहे हैं, रतिफल मद्य का सेवन कर रहे हैं, और दूसरा साथ में प्यार करने के लिए अपनी अपनी स्त्रियों को लिए हैं। ऐसा भोग विलास है उस अलकापुरी के यक्षों का। और क्या बताया गया कि मद्यपान तो कर रहे हैं, माने यक्षा है उत्तम स्त्री सहाया, वहाँ के यक्ष लोग उत्तम स्त्रियों के साथ कल्प वृक्ष प्रसूतम रतिफलम मधोवा सेवनते, कि उत्तम स्त्रियों के साथ अपनी अपनी वाली को साथ लेकर कल्प वृक्ष से निकले हुए रतिफल नामक मद्य का सेवन करते हैं, जिससे उनमें प्यार उमड़ता है। रतिफल के सेवन से प्यार उमड़ता है। यह कोई हमारे जो बाजारों में बिकती हुआ मद्यपान नहीं, यह दूसरा मद्य है। यह केवल दिया ना कि प्रेम को बढ़ाता है, और किसी चीज़ को नहीं कि आपको इधर गिरा दे इधर सुला दे। तो रतिफलम मधुवा सेवनते, प्यार बढ़ाने वाले मदिरा का सेवन कर रहे हैं और प्यार करने वाली स्त्री को साथ में लिए हैं। अब बताओ प्यार ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़े। इतना बड़ा भोग विलास उस अलकापुरी में यक्षों का मिले, क्योंकि यक्ष एक देव योनि है, ये देवताओं की एक प्रजाति है, तो इसीलिए उनके पास सुंदर सुंदर स्त्रियां भी हैं। इसलिए उत्तम उत्तम में सब कुछ आ जाएगा। उत्तम स्त्री कहने का अर्थ ही हो गया कि ऐसी स्त्री जिसमें किसी प्रकार की कमी ना हो, देखते ही कामुकता यदि आ जाए वही उत्तम स्त्री है। अब आ जाइए कि जब वह मद्यपान करते हैं तो करते क्या है, तो बताया गया कि त्वद गंभीर ध्वनिषु, त्वत से मेघ का बोध हो रहा है कि तुम्हारे मेघ, तुम्हारे गंभीर ध्वनिषु, तुम्हारे गंभीर गर्जना के समान, उसी अलकापुरी में तुम्हारी गंभीर ध्वनिषु गर्जना के समान पुष्कर आहतेषु, पुष्करेषु एक वाद्य यंत्र का नाम है, वो आहतेषु बजते हैं, और कैसे सनकई धीरे धीरे मंद मंद, अर्थात हे मेघ तुम्हारी गर्जना के समान त्वर गंभीर ध्वनिषु, तुम्हारी गर्जना की तरह वहाँ भी अलकापुरी में पुष्कर नामक वाद्यंत्र मंद मंद बजता है, और मधुकर प्रेम को बढ़ाने वाला मद्यपान भी वहाँ के यक्ष लेते हैं। अब सब साथ में हो रहा है, एक तो धीरे धीरे जो है वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कैसे जैसी तुम्हारे में गर्जना है उसी तरह वहाँ के पुष्कर वाद्य यंत्र भी जो बजते हैं उसमें भी गर्जना पाई जाती है। वह सनकई धीरे धीरे जो है पुष्कर वाद्य यंत्र गर्जन कर रहे हैं, और साथ में यक्ष उत्तम स्त्रियों के साथ कल्प वृक्ष से निकले हुए रतिफल का सेवन कर रहे हैं, मद्यपान का सेवन कर रहे हैं। और यह सब हो कहाँ रहा है, तो आ जाइए कि सीतमणि मयान अस्फटिक, सीत माने सफ़ेद भी होता है, अस्फटिक मणियों से युक्त हर्म स्थलान महलों की छतों पर, हर्म स्थल माने महलों की छतों पर, और वह छत कैसा है, अस्फटिक मणियों से युक्त है। वह छत अस्फटिक मणियों से क्या है, युक्त है, और दिया गया कि उस अस्फटिक मणियों से युक्त जो हर्म स्थल है, जो छत है, उस पे ऊपर जाकर यक्ष लोग उत्तम स्त्रियों के साथ कल्प वृक्ष से निकले हुए रतिफल नामक मदिरा का सेवन कर रहे हैं, माने वहाँ अलकापुरी की महलों के ऊपर, और अलकापुरी के महल अस्फटिक मणियों से
जड़ित हैं अर्थात स्फटिक मड़ियों से बने हैं अर्थात सफ़ेद रंग के हैं। हर मयस्थल माने वहाँ के छत स्फटिक मड़ियों से बने हैं और उन छतों पर यक्ष लोग अपनी स्त्रियों को लेकर कल्प वृक्ष प्रसूतम अर्थात कल्प वृक्ष से निकले हुए रस को माने रतिफल को जो है मदुआ सेवनते रतिफल नामक मदिरा का आसेवन कर रहे हैं और धीरे धीरे उन महलों में पुष्कर नामक वाद्य यंत्र बज रहा है। एक कल्पना कीजिए कि कोई सुंदर स्त्री के साथ छत पे हो और छत स्फटिक मणि से युक्त मतलब पूरा छत सफ़ेद हो। स्फटिक मणि का अर्थ यहाँ कहने का है कि पूरा छत जो है सफ़ेद है। रात्रि हो चुकी है क्योंकि अभी आएगी ज्योतिष छाया मैं नक्षत्रों की छाया रात्र में ही पड़ेगी तो त्वर गंभीर ध्वनि से उन महलों में जैसे मेघ की गर्जना होती है जैसे मेघ तुम्हारी गर्जना उसी तरह उस महलों में पुष्कर नामक वाद्य यंत्र धीरे धीरे बजता है और उसी छत पर जब वह अपनी स्त्रियों के साथ छतों पर वहाँ के यक्ष जाते हैं तो ज्योतिष छाया कोसुम रचितान ज्योतिष छाया नक्षत्रों की तारों की छाया जब उस हर में स्थल पर सितमणि मणि है चमकदार होगी जब उसकी छाया उस मणिमय हर में स्थल भवनों की छतों पर पड़ेगी। आपने पिछला श्लोक पढ़ा था ना कि अंतस्तोयम मणिमय भुवः है रात में पानी को देखकर देखिए तालाब हो और ठहरा हुआ पानी हो उसमें चाँद और तारे की प्रतिबिंब पड़ती ऐसा लगता है कि आसमान पानी में उतर आया है। उसी तरह तुलना की गई कि वहाँ के महल भी मणिमय हुए हैं वहाँ के भी महलों में प्रतिबिंब पड़ेंगे तो वही मणिमय है छत के जो महल हैं जो महलों के छत हैं तो उन छतों पर उन तारों की प्रतिबिंब पड़ रही है। उन प्रतिबिंब के पड़ने से कुसुम रचिताम ऐसा लगता है कि पूरे छत पर जो है तारा रूपे पुष्प रचे गए या खिल गए हैं। पूरे छत पर ऐसा लगेगा कि जैसे तारे उस छत पर आ गए हैं। कुसुम रचितान दिया ना ज्योतिष छाया जब उस नक्षत्र तारों की छाया पड़ती है उन हर में स्थलानी माने महलों की छतों पर तो ऐसा लगता है कि तारे के छतों पर जो है तारे रूपी फूल खिलाए हैं। कुसुम रचितान पुष्प कुसुम माने हो गया पुष्प कुसुम माने क्या हो गया तारे रूपी पुष्प उनकी छतों में खिलाए हैं और ऐसे दृश्य में वहाँ के यक्ष उत्तम स्त्रियों के साथ कल्प वृक्ष नामक रतिफल मन कल्प वृक्ष से निकले हुए रस का सेवन करते हैं। क्लियर हो गया। इस श्लोक में यही बताया गया कि हे मेघ तुम्हारे तरह ध्वनि करने वाला उस महल में वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है और वहाँ के लोग कैसे हैं जब जहाँ के लोग ऐसे दिख जाएं मेघ दिन में भी जाएगा और रात भी होगी अलकापुरी पहुँचने में तो अब यहाँ रात की सीन बताए कि वहाँ के महलों को जाकर देख लेना वहाँ के यदि यक्ष लोग अपनी यक्षणियों के साथ मद्यपान करते हुए मिल जाएं और तुम्हारी गर्जना के समान वाद्य यंत्र उन महलों में बजता हुआ दिखाई पड़े तो समझ जाना कि यही अलकापुरी है। क्लियर हो गया। एक बार हमारे साथ पहले वाचन करिए तो इसको एक बार शॉर्ट में जो है बताते हैं यशाम यक्षा सीत मणिमयान इत्यहर्म्यस्थलानी इत माने पाकर ज्योतिष छाया कोसुम रचितान योत्तम स्त्री सहाया आसेवन्ते
मधुरति फलम कल्प वृक्ष प्रसूतम त्वद्गंभीर ध्वनि सुसनक पुष्करे स्वाहतेषु। तो कभी कभी पूजता पुष्कर है, पुष्कर एक वाद्य यंत्र का नाम है। ऐसे ऐसे परीक्षाओं में पूछता रहता है, यश्याम से अलकापुरी का बोध हो रहा है, हर्म स्थल महलों के छत के भाग हर्म स्थल करते हैं, एक तेमाने पाकर, और कभी कभी पूछेगा कि यक्ष लोग किस वृक्ष के फल का सेवन करते थे, किस वृक्ष के रस का सेवन करते थे। तो कल्प वृक्ष के रस का सेवन करते थे, और आसेवनते मधुरति फलम। तो रतिफल कैसा है, प्रेम को बढ़ाने वाला है, वह मदिरा कैसी है, प्रेम को बढ़ाने वाली है। और त्वत से जो है मेघ का बोध हो रहा है, तो मेघ के समान किसकी गर्जना थी, किस वाद्य यंत्र की गर्जना थी, तो मेघ के समान पुष्कर वाद्य यंत्र की गर्जना थी। तो यह श्लोक का भाव रहा कि हे मेघ, जब उस अलकापुरी में जब तुम कभी रात में पहुँचोगे तो वहाँ की छतों पर यक्ष लोग अपनी स्त्रियों के साथ, यक्षा है उत्तम स्त्री सहाया, अपनी स्त्रियों के साथ, तो जो है कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से निकले हुए, प्रसूत माने निकले हुए, रतिफल नामक मधु माने मध्य को, रस को जो है आसेवंते सेवन करेंगे। और उनके छत पर एक और आप दृश्य देखोगे कि उनके जो छत हैं मणिमय हैं, अर्थात वह मणियों से, स्फटिक मणियों से युक्त हैं। हर्म स्थलान छतों पर, उनके छतों पर जब नक्षत्रों की तारों की छाया पड़ेगी, ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वह तारे फूल के रूप में उनकी छतों में उग आए हैं। ऐसी छत पर वहाँ के लोग जो है अपनी स्त्रियों के साथ यक्ष लोग बैठे दिखाई पड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि वह आकाश में बैठे हुए हैं। और त्वद गंभीर ध्वनसु, तुम्हारी गंभीर गर्जना के समान उस अलकापुरी में पुष्कर नामक वाद्य यंत्र धीरे धीरे बजता हुआ सुनाई देगा। तो समझ जाना कि यही अलकापुरी नगरी है। क्लियर हो गया, यह श्लोक का भाव रहा। वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ आपका इच्छा करे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।